14 कोर कमांडर खुद गए यहां के लिए। इसमें 14 कोर कमांडर एक बहुत अहम कमांडर है, पूरा लद्दाख उनके नीचे आता है। तीन फ्रंट है उनके पास, कारगिल, काराकोरम और सियाचिन, और ये पूरा ईस्टर्न लद्दाख। तो बहुत अहमियत रखती है कि वो गए इस मीटिंग के लिए आज। और ये भी साथ में अहमियत रखती है कि फौज ने, इंडियन आर्मी ने इस संवाद से पहले ये टिप्पणी की और एडवाइस दी कि मीडिया को कि ज्यादा स्पेकुलेशन ना करें, इसके बारे में ज्यादा सोच विचार इस वक्त ना करें और ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। मैं समझता हूं कि दोनों साइड्स को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि एक मीटिंग में बड़े कमांडर्स के बीच में, ऊंचे वाले कमांडर्स के बीच में एक मीटिंग के अंदर इसका कोई हल नहीं निकल सकता। ये तीन चार पांच मीटिंग्स में होगा और इसके मैकेनिज्म्स हैं। 1993 से लेकर 2020 तक तकरीबन 21 मीटिंग हो चुकी हैं। ये मैकेनिज्म्स हैं जमीन पर, कुछ जगहों पर ये फेल हुए हैं, मगर ईस्टर्न लद्दाख तो बहुत अहमियत रखती है कि वो गए इस मीटिंग के लिए आज। और ये भी साथ में अहमियत रखती है कि फौज ने, इंडियन आर्मी ने इस संवाद से पहले ये टिप्पणी की और एडवाइस दी कि मीडिया को कि ज्यादा स्पेकुलेशन ना करें, इसके बारे में ज्यादा सोच विचार इस वक्त ना करें और ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना करें। मैं समझता हूं कि दोनों साइड्स को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि एक मीटिंग में बड़े कमांडर्स के बीच में, ऊंचे वाले कमांडर्स के बीच में एक मीटिंग के अंदर इसका कोई हल नहीं निकल सकता। ये तीन चार पांच मीटिंग्स में होगा और इसके मैकेनिज्म्स हैं। 1993 से लेकर 2020 तक तकरीबन 21 मीटिंग हो चुकी हैं। ये मैकेनिज्म्स हैं जमीन पर, कुछ जगहों पर ये फेल हुए हैं, मगर ये ज्यादातर सक्सेसफुल रहे हैं या अभी तक। तो मैं उम्मीद रखता हूं पूरी, और मैं समझता हूं कि ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हालांकि फौज की तरफ से, आर्मी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, मगर मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक लेवल पे, ऑन स्पिरिट व्हिच वाज क्रिएटेड विद द मीटिंग इन वुहान, द डिसीजन फॉर इनफॉर्मल समिट सब्सिक्वेंटली इन चेन्नई, द चेन्नई स्पिरिट व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली इनवोक्ड, एंड इट वाज सपोज्ड टू बी स्ट्रेटेजिक गाइडेंस फॉर द आर्म्ड फोर्सेस एटसेट्रा, द प्री चेन्नई पीरियड और द पीरियड अप टू चेन्नई, I think it was quite different as far as geopolitics of the world was concerned. I agree with Ambassador Pinaki that much has changed actually in the world in the wake of the COVID-19 pandemic. And actually we are still in the middle of it. And much is going to change beyond. China is attempting essentially to take an early lead in taking the initiative to try and run its narratives in the world, in the post-COVID-19 world, to its advantage. So one of those messages and narratives is very clear, which is to India that don't get involved with the Americans, don't get involved with the Japanese, don't look at the Quad, don't look at Indo-Pacific, be content with being a part of South Asia. You and I, we, us can have a good relationship. They were worried also about the ramping up of Indian infrastructure, etc., which has been going on for the better part of many years. But all this somehow comes to a head at a particular moment in geopolitics. And I think China chose to grab that particular moment. And I think that essentially not looking at war fighting in any way is not going to be of any benefit to China. What it is essentially doing is posturing and conveying a strong strategic message to India and through India to the rest of the world. Ambassador Pinaki already quoted to you the aspect of Taiwan, Tibet, Hong Kong, South China Sea, relations with Australia, different countries around the world, the trade talks with the United States. So geopolitics has come into it. A lot of change has taken place in the post-COVID-19 world. And China decided to use this opportunity to somehow play out its narrative. I suspect that these talks will go on for some time. You cannot expect some kind of a resolution immediately. Doklam took 72 days. This may take even longer. Doklam was curtailed or rather